आज हम बात करेंगे बैलेंस। बैलेंस क्या होता है और बैलेंस कितने टाइप के होते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने टाइप के बैलेंस यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ बैलेंस। बैलेंस आर हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू एक्यूरेटली मेजर मास। बैलेंस अत्यधिक संवेदनशील उपकरण है जो भार को सटीक रूप से मापने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फार्मा में कितने टाइप के बैलेंस यूज़ होते हैं और कितने टाइप के बैलेंस होते हैं। फर्स्ट एनालिटिकल बैलेंस, सेकेंड मॉइस्चर एनालाइजर बैलेंस। ये दो टाइप के बैलेंस फार्मा में यूज़ किए जाते हैं। बाकी के बैलेंसेस जो अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, फर्स्ट वीम बैलेंसेस, सेकेंड स्प्रिंग बैलेंसेस, थर्ड टॉप लोडिंग बैलेंसेस, फोर्थ प्रिसीजन स्केल्स। थर्ड क्वेश्चन है बैलेंस को रखने के लिए रूम का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। रूम का एटमॉस्फेयर दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पर निर्भर करता है जो कि हैं टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसमें कि टेम्परेचर रेंज हमेशा के लिए 20-23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30-60% हमेशा के लिए होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों ज़रूरी है और जिसके कम और ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अधिक ह्यूमिडिटी की वजह से किए जाने वाले वेट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है जिससे वेट फ्लक्चुएट होने लगता है। लो ह्यूमिडिटी की वजह से मटेरियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से रीडिंग कॉन्स्टेंट नहीं हो पाती है। पाँचवा क्वेश्चन है कि वेट बैलेंस में स्प्रिट लेवल का क्या महत्व है। वेट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर को एक दूसरे की सीध में लाने के लिए ज़रूरी होता है जिससे हमको एक्यूरेट वेट प्राप्त होता है। छठा क्वेश्चन है बैलेंस में लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है। बैलेंस द्वारा नापे जा सकने वाला सबसे छोटा अंग इसकी सबसे छोटी संख्या कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है बैलेंस की वर्किंग रेंज और ऑपरेटिंग रेंज को कैसे प्राप्त करते हैं। बैलेंस की लोअर वर्किंग लिमिट प्राप्त करने के लिए बैलेंस की लीस्ट काउंट को 50 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमको बैलेंस की लोअर वर्किंग लिमिट मिलती है, और हायर वर्किंग लिमिट प्राप्त करने के लिए बैलेंस की मैक्सिमम रेंज का 80% लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू गेट दिस टाइप्स ऑफ वीडियो। इफ यू नीड मोर वीडियो सेंड कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स।